सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं जानता हूँ भाई काफ़ी टाइम से फ्री फायर का कंटेंट नहीं आया, तो आज हम फ्री फायर के लिए थंबनेल बनाने वाले हैं। और ये बहुत ही सारे मतलब जो भी थंबनेल यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वो सारे के सारे थंबनेल हम क्रिएट करने वाले हैं मोबाइल डिवाइस की मदद से। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और सारे जो भी यहाँ पर आपको PNG लगने वाली है या फिर जो भी आपको फोन लगने वाले हैं इन थंबनेल्स को क्रिएट करने के लिए, वो सारे आपको मिल जाएंगे मेरे पैक के अंदर। तो मेक श्योर कि उसको भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि और भी लोगों को ये वीडियो शेयर हो जाए YouTube की तरफ से। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट क्रिएट करने हैं। यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखने हैं लाइक अपने किल लिखने हैं, या फिर अगर आपको कुछ लाइंस लिखनी है फास्टर देन लाइट, या फिर कुछ भी लाइक बुया, कुछ भी जो भी आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, अपनी टैग लाइन लिखनी है अपने थंबनेल के लिए, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो बेसिकली मेरा तो यहाँ पर ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मैं यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल के लिए जो भी यहाँ पर टैग लाइंस होगी वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और आपको लिखनी कुछ इसी तरह से गाइस, जैसा कि गाइज आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर 2-3 लाइंस के अंदर पूरी अपनी टैग लाइन लिखी हुई है। तो आपको भी 2-3 लाइन के अंदर ही लिखना है, कुछ भी सिंगल लाइन के अंदर नहीं लिखना। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है, एंड ओके करने के बाद आपको ए वाले बटन के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते वक्त आपको ए बी बटन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक माई फोन के अंदर सर्च करना है बर्बंग, और ये वाला फोन आपको मिल जाएगा मेरे पैक के अंदर। तो आपको इसको ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको इसी को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर लेना है ट्रांसपेरेंट, एंड उसको कर देना है सेव। सेव करते वक्त आपको याद रखना है कि इसके डायमेंशन को आप अल्ट्रा ज़रूर कर दें। सो गाइस अब आपको अपना PSCC या फिर PSTouch ओपन कर लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपको 1920x1080p वाला रेशियो ओपन कर लेना है ताकि आपका यूट्यूब थंबनेल कैनवास यहाँ पर क्रिएट हो जाए। सो गाइज अब आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। बैकग्राउंड के लिए मैंने एक यहाँ पर गन की एक इमेज आपको दे दी है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के अंदर होगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होने वाली है। उसके बाद आपको एक कैरेक्टर का लेयर चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने 2-4 कैरेक्टर आपको पैक के अंदर ही दे दिए, ताकि आप 2-4 थंबनेल अच्छे से क्रिएट कर सकें। उसके बाद हम एक और नई थीम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड जो हमारा है उसको यहाँ पर डायरेक्शन ब्लर दे देना है। गाइस डायरेक्शन ब्लर आपको देना है तकरीबन 15 के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है वरना आपकी इमेज पूरी ख़राब हो जाएगी। तो गाइस इतना यहाँ पर डायरेक्शन ब्लर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और आपको अपने जो भी टेक्स्ट लेयर यहाँ पर रहते हैं उसको यहाँ पर से इंपोर्ट करना है। बेसिकली आपको ये पिक्सेल ऐप के फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पर मैं कैरेक्टर को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जाना है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाली लाइन को, प्लस वाले आइकन पे जाना है, उसके बाद लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देना है गाइस। तो इससे क्या होगा, आपको एक अलग लेयर बन के आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर अपने हर एक लेयर को करके रख देना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे लेयर्स यहाँ पर अपने क्रिएट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और अपनी पहले वाले लेयर के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी विथ एंड यहाँ पर जो एक्स वाली एक्सेस आपको देखने को मिल रही है, इन दोनों नंबर को याद कर लेना है, ठीक है। इसकी मदद से आपकी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो दोनों नंबर को मैंने क्या करना है, यहाँ पर दूसरे जितने भी लेयर है सेम उसको यहाँ पर जाना है, लाइक फ्री फायर में मैं जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर विथ एंड हाइट मैं वही रख दूंगा जो मेरे पहले वाले लेयर के अंदर थी। तो इससे क्या होगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं सेम उसी साइज़ का यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर विथ एंड यहाँ पर एक्सिस जो भी एक्स वाली है वो यहाँ पर सेम आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा खिसकाऊंगा, ताकि यहाँ पर मैं इसको लाइक टाइपोग्राफी मेरी जो भी यहाँ पर रहेगी वो अच्छे से यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं होती तो आपको यहाँ पर स्नैप वाला टूल को कर देना है ओ, ताकि आप यहाँ पर ईजिली इस बटन को प्रेस करने के बाद इसको आराम से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर सको, ठीक है। तो ये तकरीबन हो चुका है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और अपने बाकी के सारे लेयर्स को भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सारे यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हैं वो एक सेम साइज़ के अंदर आ चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है। एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर फिल इन स्ट्रोक में जाने के बाद ब्लैक कलर का कर दूंगा। याद रखना गाइस ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पहले वाले लेयर के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको एंड वाला बटन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एंड वाला लेयर जो भी आपको बटन दिखता है वहाँ पर जाने के बाद ग्रेडियंट के अंदर आपको सारे ग्रेडियंट देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर व्हाइट एंड जस्ट अपना सिंपल से एक ग्रे वाला यहाँ पर ग्रेडियंट चूज कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, एंड उसके बाद आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। और स्ट्रोक वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको याद रखना है गाइस, यहाँ पर कलर पर जाइए, कलर पिकर को यहाँ पर से ऑन कर दीजिए, और यहाँ पर से ये वाइट वाला कलर आपको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एक स्ट्रोक आ चुका है, लेकिन ये स्ट्रोक अभी भी थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ पर दोबारा दूंगा
और यहाँ पर स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा लाइक 10 के आसपास या फिर 10 से थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रेट ताकि बाहर का स्ट्रोक यहाँ पर से चला जाए। सेम चीज़ें यहाँ पर मैं बाकी के टेक्स्ट के साथ भी कर लूँगा लाइक यहाँ पर फ्री फायर वाले टेक्स्ट को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे यहाँ पर लेयर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम फ्री फायर वाले लेयर जो है उसके ऊपर जाएंगे इसके सिलेक्ट पिक्सल करने में। और याद रखने के इसको आपको वो कलर थीम देनी है जो आप अपनी थंबनेल की देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड वाला यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ब्राइट रेड और एक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क वाला रेड ले रखा है। लेकिन डार्क वाला रेड आपको कभी भी नीचे नहीं रखना, आपको यहाँ पर इसको ऊपर ही रखना है। और यहाँ पर ब्राइट वाला कलर जो आपको देखने को मिलता है इसको आपको हमेशा नीचे की तरफ रखना है। याद रखना गाइस इस तरह से ग्रेडियंट दोगे तो आपके टेक्स्ट बहुत ही उभर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रोक देना है। और स्ट्रोक देते समय यहाँ पर इसके कलर को आपको रेड जो यहाँ से ब्राइट वाला कलर है उसको चूज़ करना है। बाकी सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर से ओके करने के बाद इसको भी यहाँ पर से एक्सट्रेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये बाद में हाईलाइट भी हम इसको कर देंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर से एक ड्रॉप शेडो दूंगा। बेसिकली उस ड्रॉप शेडो को यहाँ पर इस तरह से देंगे कि वो कुछ 3D लुक हमें दे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस ब्लर को कर देना पड़ेगा कम्प्लीटली बंद। एंड यहाँ पर से कलर चूज़ करेंगे हम रेड वाला, रेड ही हमें चूज़ करना है गाइस। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस को हम थोड़ी सी कम कर देंगे तभी हमें थोड़ा सा विजिबल होगा। लेकिन उससे पहले आपको एंगल को कर देना है 90% डाउन। एंड उसके बाद आपको इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस को कर देना है कम, ताकि हमें थोड़ा सा एक 3D वाला लुक अगर दिखे तो यहाँ पर हम इसको मतलब आसानी से हमें विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिस्टेंस को कर दिया मैंने तकरीबन 9। एंड कलर भी हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर सारी यहाँ पर जितने भी लेयर थे उसके अंदर भी मैंने सेम यहाँ पर ड्रॉप शेडो दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके पिक्सल हमें करने पड़ेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको मैं छोटा कर दूँगा ताकि हमें सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद एक बैकग्राउंड को हम एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको छोटा करने के बाद इसको कर देना है ओके। एंड ओके करने के बाद आपको इसके सारे पिक्सल कर लेने हैं सिलेक्ट, ठीक है। मैंने सारे लेयर्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर से इसके मैं सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसको एक्सपेंड कर दूंगा लाइक कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सपेंड करूँगा ताकि इसके अंदर की सिलेक्शन भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और एक बार हम यहाँ पर एक ट्राई कर लेते हैं लाइक ट्रांसफॉर्म की। तो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन कर दिया। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपको कम से कम जितना ट्रांसफॉर्म कर पाओ और सारी सिलेक्शन यहाँ पर हट जाए उस तरह से सेटिंग रखनी है, ठीक है। तो बाकी का मैंने यहाँ पर मैनुअल कर लिया है तो यहाँ पर चीज़ें कोई दिक्कत नहीं देंगी। और यहाँ पर जो पूरा बैकग्राउंड था इसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है। अब यहाँ से मैं एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करूँगा। तो उससे पहले यहाँ पर सिलेक्ट पिक्सल करेंगे एंड यहाँ पर एम्प्टी लेयर में जाने के बाद इसको यहाँ पर डाउन कर दूंगा लाइक सबसे नीचे वाले जगह पर यहाँ पर इसको रख देंगे। उसके बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाने के बाद इसको यहाँ पर स्ट्रोक तो देना है लेकिन स्ट्रोक इतना ज़्यादा नहीं दे देना। तो मैं क्या करूँगा, 6 पिक्सल यहाँ पर रखूँगा, ये मोर देन इनफ है, तो इतने सही है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम फेड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। तो फेड वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है एंड उसके बाद आपको इसको लेफ्ट टू राइट यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड के अंदर आपको पूरी एक लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो इसको बढ़ाने के लिए इसको डुप्लीकेट करना है एंड इसको कर देना है लीनियर डोज। लीनियर डोज करने के बाद आपको इसको इफेक्ट्स में जाने के बाद गोजिन ब्लर दे देना है और ये इतना देना है कि थोड़ी सी आपको एक अंदर से लाइट देखने को मिले। सो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसको हम सिंपली से मर्ज डाउन कर देंगे सारे टेक्स्ट को, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ से हम हमारी पूरी कमेंगे जो कि अब मुश्किल से यहाँ पर 2-3 मिनट के हमारा पूरा थंबनेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे कैरेक्टर को यहाँ से हाइट से शो कर लेते हैं एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसको कर देना है लेफ्ट साइड के अंदर और इसको इस तरह से सेट करना है कि पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर विजिबल हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से इसको जैसे यहाँ पर ये सेट हो जाए इसको कर देना है ओके। यहाँ पर टेक्स्ट वाले लेयर के अंदर हमें आ जाना है गाइस और इसको यहाँ पर कर देना है राइट की मतलब जो हमारे थंबनेल की राइट साइड होगी वहाँ पर प्लेस कर देना है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमें एक एम्प्टी लेयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि यहाँ पर हम एक कलर थीम यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट कर पाएँ। तो इस लेयर को यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक में चले जाना है और कलर को कर देना है एकदम रेड। और यहाँ पर आपको फिल वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड यहाँ पर रेड चूज करने के बाद इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेड वाले ऑप्शन के अंदर आना है और आप कुछ यहाँ पर बॉटम टू टॉप के साइड की तरफ यहाँ रख सकते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट साइड वाली साइड की तरफ भी रख सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आपको इसको इस तरह से क्रिएट करना है लाइक यहाँ पर मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको नीचे वाले लेयर के अंदर लेकर आ जाते हैं और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
इसको इस तरह से सेट किया मैंने कि यहाँ पर कैरेक्टर की राइट साइड की तरफ यहाँ पर कोई भी कलर ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फेड दे देना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और कैरेक्टर को कर देना है आपको ड्रॉप शेडो, और वहाँ पर आपको जाना है इसको ब्लैक कर देना है, और ब्लर को आपको 100% जितना भी मतलब जाता है उतना आपको कर देना है कम्प्लीटली, ठीक है। इन डिस्टेंस को कर देना है 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाना है और एक आपको यहाँ पर एम्प्टी ले लेना है जो कि हमें बाद में काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर से एक PNG ऐड करनी रहेगी लाइक बुया वाली, तो मैं इसको यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आप इसको जहाँ मर्जी यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं, लाइक ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है, या फिर आप नीचे की तरफ भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर नीचे की तरफ रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी लेयर के अंदर जाना है, फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, एंड कलर को रखना है यहाँ पर से वाइट, और इसको यहाँ से हम फेड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसको कर देंगे इतना बड़ा कि यहाँ पर एक लाइट जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको क्रिएट करने के बाद इसको ओके कर देना है, उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड को कर देना है ओवरले। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके ऊपर वाला जो भी यहाँ पर लेयर रहेंगे सारे उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अरेंज कर देनी है, सबसे ऊपर रखना है इस वाले लेयर को, और उसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर आपको रखना है ये वाला, ठीक है। ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखने के बाद आपको इसको कर देना है यहाँ से स्क्रीन मोड, ठीक है। स्क्रीन मोड कर दो ताकि बहुत सही लगे, अभी भी ये सही लग रहा है लेकिन हम यहाँ पर पूरी कलर थीम के ऊपर डिपेंड रख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी रेड कर दूँगा, ठीक है। ल्यूमिनोसिटी को कर देंगे कम एंड कलर को कर देंगे एकदम रेड, ठीक है, एकदम ब्राइट वाला रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हमारी थीम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसको बस यहाँ पर डन करना है, सेव करना है, ओके। और यहाँ पर आपको कैरेक्टर बदलते रहना है और अपनी टैगलाइन चेंज करनी है, और आपके 2-4 थंबनेल ऐसे क्रिएट हो जाएंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ओपी वाला यहाँ पर ये थंबनेल क्रिएट हो चुके हैं, और इस थंबनेल को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने क्रिएट करा। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।